हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? मैं हूँ आपका भाई अमार, ट्रैवल विद अमार। आज मैं इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ पे वैक्सीन किस तरह लगाते हैं, कोविड वैक्सीन। तो तो आज मौसम भी देखें, थोड़ा सा गर्म है और हवा चल रही है। तो ये बस अभी हम निकलते हैं, गाड़ी भी रेडी है। अच्छा जी, मैं अभी ये अपने विलेज से निकल रहा हूँ। मैंने कहा आपको थोड़ा सा विलेज दिखाता हूँ। ये मैं हूँ, ये मेरा विलेज है। और ये विलेज जो है, ये मेन रोड के साथ कनेक्ट है। ये बहुत ग्रीनरी है मेरे विलेज में, बहुत दरख्त, बहुत। मैं आपको एक दफ़ा पूरी वीडियो बनाऊंगा अपने विलेज के ऊपर, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी लगाते हैं म्यूजिक, म्यूजिक लगाते हैं और थोड़ा सा म्यूजिक भी आपको सुनाते हैं। और ये आ गया है मेरे विलेज का एंट्रेंस गेट, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना कार्ड लगाऊंगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कार्ड भी किस तरह लगाते हैं जी। ये लेफ्ट साइड पे जो है ये ऑटोमेटिक कार्ड का, ये जिस तरह मैं आपको दिखाऊंगा। राइट साइड पे जो विजिटर्स होते हैं ना, वो आते हैं। अभी देखें जी, मैं यहाँ पे अपना कार्ड लगाऊंगा। ये देखिए, वो ओपन हो गया। और ये है मेन रोड। चलो चलते हैं जी, आप मेरे साथ रहें तो मैं आपको थोड़ी सी और दिखाता हूँ। अभी ये है रोड, मैं अपने विलेज से निकल गया हूँ और मैं जा रहा हूँ अभी कोविड सेंटर में। किसी ने वैक्सीन लगवानी है तो उनको लेकर जा रहा हूँ मैं अपनी गाड़ी में। ये है जी थाईलैंड की मेन रोड। मेन रोड एक तो होती है ना एक्सप्रेसवे रोड, वो नहीं है, ये मेन रोड है, ठीक है। मेन रोड है, एक्सप्रेसवे की भी आपको मैं दिखाऊंगा रोड कैसी बनी हुई है यहाँ पे। राइट साइड पे करते हैं गाड़ी, क्योंकि ये जो है फास्ट ट्रैक है, हम फास्ट ट्रैक पे गाड़ी चला के आपको दिखाते हैं। आज बादल भी आए हुए हैं पर मौसम थोड़ा सा गर्म है। यहाँ से अब जो है शॉप्स स्टार्ट हो जाती हैं। ये लेफ्ट साइड पे ये है स्टील सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे हार्डवेयर की शॉप्स मिल जाएंगी। ये रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं लेफ्ट साइड पे। ये विलेज है। चलिए जी, साथ मैंने सॉन्ग भी प्ले किया है, आपको सॉन्ग भी सुनाते हैं थाईलैंड में।
राचा प्रोक रोड 1 किलोमीटर बाद खत्म हो जाएगा। मेरे साथ रहे, मैं आपको थोड़ा सा आगे क्लिप दिखाता हूँ। नेक्स्ट रोड पे मैं होता हूँ। ये चाय प्रोक रोड है, ठीक है, लेकिन ब्रिज कितने बड़े बड़े बनाए हुए हैं। अंडर पास ब्रिज है, ये देखें जी। अभी हम मेन रोड चायप्रूक रोड पे हैं। मैं आपको गाड़ियों की दिखाता हूँ ब्रांड्स यहाँ पे जी। होंडा सिविक की है तो बहुत सिंपल है यार, होंडा सिविक। और यहाँ पे फॉर्चुनर्स, अप मॉडल गाड़ियाँ जी, इधर अप मॉडल है, लेटेस्ट मॉडल गाड़ियाँ इधर जी। क्रोला इतने अरसे बाद देखी है रेड कलर में। फायर जी देखिए, टोयोटा का मॉडल है। इसी के साथ एक और अल्फर्ड भी आई थी। ये दोनों टॉप मॉडल है इधर जी। ये 3 मिलियन की है, 3 मिलियन से भी ऊपर है इधर इसकी प्राइस। और अभी हमने 500 मीटर में लेफ्ट होना है। नेक्स्ट रोड पे होंगे, ये सर्विस रोड है, इस पे हम होंगे। ये ऊपर देखें बोर्ड भी लगे हुए ग्रीन कलर में। कोई भी न्यू विजिटर्स आता है ना, ये देखें जी गाड़ी जी, इन्होंने इस तरह तैयार की होती है। यहाँ पे ये ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, ये है जी टोयोटा का मॉडल है। टोयोटा है रिवो, आई थिंक रिवो है। तो ये अभी देखते हैं टी मैक्स, इसुजू है, सॉरी जी इसुजू है, टोयोटा नहीं है, ये इसुजू है। इस तरह लोगों ने तैयार कराई भी होती हैं गाड़ियाँ। आप देखें ये 4x4 गाड़ी है जी इसुजू। ये भी होगी 1 मिलियन के आसपास ही होगी ये गाड़ी भी, 4x4। अभी हमने 400 मीटर स्ट्रेट चलना है, फिर उसके बाद हमने आगे देखिए निसान की भी बहुत अपग्रेड गाड़ी है जी। इधर मजदा, इधर जो फेमस ब्रांड है ना वो है जो यहाँ, या टोयोटा, होंडा और मजदा, ये 3 ब्रांड इधर, मतलब जो मिडिल क्लास लोग हैं ना उनके लिए। बाकी जो इसुजू भी है, हाँ इसुजू, टोयोटा, फोर्ड, ये मॉडल है। अभी हमने परंगनंग का ब्रिज में हमने होना है। कांचना भी से एक रोड स्ट्रेट जा रही है, उधर नहीं हमने होना। हम लेफ्ट साइड पे गाड़ी करते हैं, ये इसको ट्रक को क्रॉस करके लेफ्ट साइड पे हम करेंगे। ये चीज मेरे अजीज, ये रोड पे हम परानंग क्राओ ब्रिज, परानंग क्राओ ब्रिज, खाई राई जगह जी ये। लेफ्ट होना है, फिर लेफ्ट होते हैं। ये दो रोड्स हैं, दोनों कनेक्ट हैं। इस एरो का मतलब दोनों रोड्स जा सकते हैं। ये जो जिस रोड पे मैं हूँ ना, ये कनेक्ट होती है। इधर राइट साइड पे भी एक लिंक है ये रोड का, ये यहाँ से भी गाड़ियाँ आती हैं, तो उन्होंने एक सेफ्टी के लिए लेफ्ट साइड पे भी एक रास्ता निकाला है। चलिए मेन रोड पे कनेक्ट होते हैं जी। जी हम मेन रोड पे कनेक्ट हो गए, परानंका ब्रिज ये रोड है जी, इस रोड का नाम है। अभी हम चोपराया रिवर को क्रॉस करेंगे। होंडा जैज, ये भी इधर बहुत लोगों के पास है, ये स्पोर्ट्स कार है। यहाँ पे जो मेजॉरिटी लड़कियाँ ना वो ये चलाती हैं, छोटी गाड़ी होंडा जैज, होंडा यारिस और टोयोटा यारिस और होंडा जैज, ये दो जो है यहाँ पे लड़कियाँ। सिविक डाउन मॉडल, IS भी जा रही है कहीं, मैं नहीं पता किधर चली। ये भी होंडा सिविक है। और आगे मुझे लग रही है थोड़ी सी ट्रैफिक। ये परानंगाओ ब्रिज है टी नुंथा बुरी का।
हाँ, ये मेरे जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये है BTS है। तो BTS की भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट टाइम पे। अभी हम रिवर क्रॉस करने लगे हैं, ये ब्रिज के भी अभी हम ऊपर होंगे। ये चीज लेफ्ट साइड पे अगर आप ये बिल्डिंग्स देख रहे हैं ना, ये है कंडोमिनियम। ये कंडोमिनियम है, बहुत बड़े कंडोमिनियम बनाए हुए इधर। मैं आपको किसी जाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे विजिट करूंगा बैंकॉक ना इस साइड। शायद मेरी वीडियो आपने देखी हो, सकुम्बित एरिया मैंने वहाँ की भी वीडियो बनाई हुई है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। ये देखिए जी, ये लेफ्ट साइड पे अभी इन्होंने बोर्ड्स और लगाए हुए, ये ब्रिज के ऊपर है और ये रिवर अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। लेफ्ट साइड वाली रोड पे और राइट साइड पे आने की है गाड़ियाँ जो आ रही है। सिर्फ आप लोगों के लिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और ये ना बोलिएगा जो बेल आइकन बना होता है राइट साइड पे, उसको लाजमी दबाइएगा ताकि वो मेरी लेटेस्ट वीडियोस जो आपको वो मिलती रहे। अभी आते ही चलता हूँ ताकि मैं आपको वीडियो में ईजिली शो कर सकूँ सारे एरिया। परानंगाओ नंथापुरी, बादल ऊपर आप देख सकते हैं वीडियो में, अच्छे खासे बादल हैं पर फिर भी धूप निकली हुई है। होंडा अकॉर्ड, होंडा अकॉर्ड लेफ्ट साइड पे। वी आर वेडी रंगसीट रोड खाई राई, ये भी हम वेडी रंगसीट रोड पे खाई राई में होंगे 3 किलो। हाँ जी, अभी हम कोविड सेंटर के पास ही है, लेफ्ट साइड पे हमने गाड़ी करनी है। 2 मिनट का रास्ता है मेन अंदर रोड ही कनेक्ट है। कोविड सेंटर राइट साइड पे है, इसका नाम भी मैं आपको बताता हूँ क्या नाम है। जी जी राइट साइड पे है। एंट्रेंस, एंट्रेंस इधर ही है बिल्कुल। चलो जी चलते हैं अंदर, एंट्री मारते हैं जी। ये किंग की पिक्चर है, यहाँ पे एंट्री हम कर लिया है हमने। ये राइट साइड पे ये कैंडी कोविड सेंटर है, हम पार्किंग ढूंढते हैं जी। पार्किंग किधर करें गाड़ियों की, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंटर बने हुए हैं, कोविड सेंटर है, तो जिनको लेकर आए हो उनका यहाँ पे सेकंड डोज है उनकी। तो अभी हम राइट साइड पे करते हैं गाड़ी। पार्किंग ढूंढते हैं यहाँ पे, पार्किंग की क्या सूरत हाल है। पार्किंग मिल जा मिल जा मिल जा, यस मिल गई है। और इस जगह पे हम पार्क करते हैं गाड़ी। टेम्परेरी कोन्स रखी हुई हैं, तो साइड पे बस आगे करते हैं और बैक करके गाड़ी पार्क करते हैं। COVID-19 के सेंटर में आ गया हूँ, आपको दिखाता हूँ अंदर आज कितनी लोग हैं यहाँ पे, कितनी आवाम है। शादी खाने पीने का भी सिस्टम लगाया हुआ इन्होंने। आज तो बहुत बहुत लोग कम है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं।
आज तक कोई बंदा ना बंदे की जात है, ये तो फिर हम लकी हैं, कोई बंदा ना बंदे की जात है, देखें कोई बंदा ना बंदे की जात। इधर भी देखें कोई बंदा ना बंदे की जात है। अभी देखें जी मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये है वेटिंग एरिया, ठीक है, वेटिंग एरिया इस तरह होता है। यहाँ पे बैठते हैं, इस तरह वीडियो नहीं इन्होंने अलाउ की हुई, मैं थोड़े से आपको दिखा रहा हूँ, आज इतनी लोग नहीं है। ये वेटिंग एरिया है, अच्छा रहा बिल्डिंग है। अच्छा जी ये आप देख लें, मैं कोविड सेंटर में ही खड़ा हुआ हूँ, हेल्थ सेंटर है ये, ठीक है। तो काम हमारा हो गया, डोज हमारी जो है सेकंड डोज वो कंप्लीट हो गई है। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँ, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को ट्रैवल विद अमर। और चलते हैं फिर, अपने बाइक को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।